हम लोग भारत की भूभौतिकी सीख रहे थे और भूभौतिकी में प्लेट टेक्टोनिक में हमें देखते हैं कि किस तरह से प्लेट का संचलन होता है और प्लेट के मार्जिन पर क्या घटनाएं होती हैं, आंतरिक हलचलें होती हैं और उनका विशेष रूप से क्या ज्वालामुखी और भूकंप के रूप में प्रभाव पड़ता है, यही उसके में प्रमुख चीज़ें हैं। प्लेट विवर्तनिकी की दृष्टि से भारत एक संवेदनशील प्लेट है और इसके अध्ययन को दो पहलुओं में रखा जा सकता है। नंबर एक पैलियो प्लेट टेक्टोनिक और नियो प्लेट टेक्टोनिक। नियो टेक्टोनिक में हम लोग नई चीज़ों का अध्ययन करते हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटी, और पैलियो टेक्टोनिक में पुरानी विवर्तनिकी घटनाओं का। इंडिया में पैलियो टेक्टोनिक प्री कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन चार बार मोड़दार पर्वतों को जन्म हुआ है और भारत में ये हर क्रम के मोड़दार पर्वत हैं। इसका मतलब कि भारत पूरा विवर्तनिकी घटनाओं और उदाहरणों से भरा पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत नई टेक्टोनिक या नियो टेक्टोनिक से अछूता है। नियो टेक्टोनिक का प्रारंभ हम अल्पाइन के बाद अर्थात होलोसीन या कह लीजिए प्लीस्टोसीन के बाद होलोसीन काल से करते हैं। स्पेशली प्लीस्टोसीन में होने वाली विवर्तनिकी घटनाएं नियो टेक्टोनिक का ही पार्ट हैं। आइए हम देखते हैं कि भारतवर्ष में भारत भूखंड पर नियो टेक्टोनिक की घटनाएं क्यों हो रही हैं, कहाँ हो रही हैं, उनका भविष्य क्या है। हम नियो टेक्टोनिक इन इंडिया चैप्टर में पहले उसकी परिभाषा देने के बाद और पैलियो टेक्टोनिक और नियो टेक्टोनिक अर्थात पुरा विवर्तनिकी और नव विवर्तनिकी में अंतर स्थापित करने के बाद देखेंगे कि ये विवर्तनिकी घटनाएं हो क्यों रही हैं। इसका दो कारण है। विशेष रूप से भारत भूखंड गतिशील है जो भारतीय प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है और भारतीय प्लेट अधिकतर महासागरीय है, लेकिन इसका उत्तरी भाग महाद्वीपीय है अर्थात भारत भूखंड महाद्वीपीय है। इसमें दो गतियां हो रही हैं, उसी दो गति के कारण भारत विवर्तनिकी दृष्टि से संवेदनशील है, विशेष रूप से नव विवर्तनिकी दृष्टि से विश्व में अनोखा है। यहाँ पर भारतवर्ष में भारत भूखंड पर दो कौन गतियाँ हो रही हैं, एक हो रही है वर्टिकल लंबवत अर्थात भारत में कहीं पर कोई भाग यदि उठ रहा है तो दूसरा भाग धंस रहा है, इसको लंबवत गति या वर्टिकल जियोफिजिक्स कहा जाता है। लेकिन उसी के साथ भारतीय भूखंड में या भारत के प्लेट में प्लेटों में भी दूसरी गति भी हो रही है जो है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल अर्थात क्षैतिज। आइए देखते हैं कि इन दोनों का कारण क्या है, परिणाम क्या है और इनके साक्ष्य क्या हैं। हम पहले देखते हैं वर्टिकल मोशन इन इंडियन प्लेट। वर्टिकल मोशन में दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो भारत के पश्चिमी भाग में और दूसरा भारत के पूर्वी भाग में। यदि किसी भी भूखंड का एक पार्ट उठा दिया जाए, दूसरा न धंसे, तो भी उठने वाले की तुलना में दूसरा नीचे हो ही जाएगा और इसी को वर्टिकल मोशन इन प्लेट कहा जाता है। भारतीय भूखंड कुछ ऐसे ही है, इसका पश्चिमी भाग ऊपर उठ रहा है जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी भाग नीचे धंस रहा है। ऐसा नहीं है कि पश्चिमी भाग के उठने के परिणाम स्वरूप ही पूरब का भाग नीचे धंस रहा है। पूरब के भाग के नीचे धंसने के दो कारण हैं, एक तो भारत के पश्चिमी भाग अर्थात अरावली प्रदेश और उसी के सीध में पश्चिमी घाट पर्वत का ऊपर उठना, दूसरा भारत के पूर्वी भाग में भारत से आने वाली सभी नदियों, चाहे वो हिमालय क्षेत्र से आ रही हो चाहे प्रायद्वीपीय पठार से आ रही हो, सभी नदियों का पूरब की तरफ जाकर अवसाद
का जमा करना। परिणाम स्वरूप बंगाल खाड़ी की भूसन्नति का तीव्र गति से नीचे धंसना, जिसके अनेक प्रमाण हैं। इस तरह से वर्टिकल मोशन लंबवत गति में दो चीज़ें हो रही हैं, एक उन्मज्जन दूसरा निमज्जन। पश्चिमी भाग का उन्मज्जन हो रहा है, जिसकी चर्चा हम लोग अरावली के इमर्जेंस के बारे में पढ़े थे, और दिल्ली हरिद्वार हारसिल रिज जो कि नवविवर्तनिकी की एक विशेष घटना है, उस संदर्भ में भी सीखे थे। और इसी के साथ पश्चिमी घाट पर्वत भी उठ रहा है, लेकिन उसी संदर्भ में हम लोग देखे थे कि इसी तरह से मालदा गैप वेस्ट बंगाल में धंस रहा है, इसी तरह से मोरीबंद डेल्टा, इमेच्योर डेल्टा, मेच्योर डेल्टा और एक्टिव डेल्टा का क्षेत्र नीचे धंस रहा है, जिसके विभिन्न उदाहरण हैं। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में 150 मीटर की गहराई पर सुंदरी वृक्ष के खड़े तने का पाया जाना। इस तरह से पश्चिम भारत और पूर्व भारत में लंबवत विवर्तन की घटनाएं हो रही हैं, जिसको यहाँ चार्ट में शो किया गया है। वर्टिकल में हम लोग अभी देखे थे एक अधोगमन होता है और एक ऊर्ध्वगमन। अधोगमन में डाउन वार्पिंग ऑफ द ईस्ट इंडिया, पूर्वी भारत का अधोगमन, जैसे कि मालदा गैप अगर नीचे धंस रहा है उसी के साथ पश्चिम भारत उठ रहा है, और अराकानियोमा श्रेणियां भी ऊपर की तरफ उठ रही हैं। जैसे यदि किसी भूखंड पर बीच में अगर प्रेशर बनाया जाए अवसाद का, तो बीच का भाग उसका धंसता है, धंसने के फलस्वरूप दोनों साइड ऊपर उठते हैं, और दोनों साइड ऊपर उठेंगे तो बीच का भाग धंसेगा। इसको कहा जाता है डाउन वार्पिंग। ये बांग्लादेश का क्षेत्र अधोगमन हो रहा है, क्योंकि पश्चिम उठ रहा है, पूरब भी उठ रहा है, और इसके धंसने की दर 1.2 मिलीमीटर प्रति वर्ष है। और इसके एविडेंसेज हैं, साक्ष्य हैं, जैसा हम लोग अभी चर्चा किए थे कि इरेक्ट सुंदरी ट्रीज डिपॉजिटेड एट द डेप्थ ऑफ 150 मीटर बिलो सी लेवल। इस क्षेत्र में गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में 150 मीटर की गहराई पर सुंदरी वृक्ष के खड़े तनों का पाया जाना। दूसरा एक और उदाहरण है मालदा गैप का पाया जाना और उसका लगातार नीचे धंसना। यदि आप मालदा गैप में ऊपर के जलोढ़ निक्षेप को हटा दें, नीचे लैटराइट निक्षेप मिलते हैं। लैटराइट कब के हैं, कहाँ के हैं, इसमें पैलियो टेक्टानिक देखना होगा कि जब यह भूखंड दक्षिण में इक्वेटर पर था और यहाँ पर छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार आपस में जुड़े हुए थे, इस अलुवियम द्वारा अलग नहीं थे, वह लैटराइट तब का पुराना निक्षेप है। तीसरा साक्ष्य है कि कोसी चैनल शिफ्ट, यहाँ पर कोसी नदी उत्तरोत्तर अपना मार्ग या चैनल पश्चिम की तरफ खिसकाती जा रही है। क्यों, उसका और भी कारण है, उसकी घाटी में निक्षेपण जलीय प्रक्रम, लेकिन एक कारण उसका और भी है कि एवरेस्ट मालदा गैप से लेकर अंडमान निकोबार तक एक ऐसी एक्सिस है, एक ऐसी रेखीय स्थित है जिसके सहारे नियोटेक्टोनिक घटना कार्य कर रही है। चौथा साक्ष्य है बारेन एंड नारकोंडम, यहाँ पर एक बारेन सक्रिय ज्वालामुखी है, नारकोंडम भी एक ज्वालामुखी है जो कि आज सक्रिय नहीं है। इनकी सक्रियता से बोध होता है कि भारतीय प्लेट का यह पूर्वी मार्जिन है और विनाशात्मक किनारा है, जहाँ पर नव विवर्तनिकी की सक्रियता बनी है, और बारेन ज्वालामुखी उसका एक प्रमाण है। अब आइए हम देखते हैं कि अप
राइजिंग ऑफ वेस्ट इंडिया, भारत का पश्चिमी भाग किस तरह से ऊपर उठ रहा है और इसके साक्ष्य क्या हैं, इसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं कि जब भारतीय प्लेट का उत्तरी किनारा अर्थात अरावली का उत्तरी छोर द्रास के पास तिब्बतन प्लेट से टकराया, तब एक रेखीय दबाव विकसित हुआ और दक्षिण का भाग ऊपर उठा, जिससे बनी दरार के फलस्वरूप अरबियन भूखंड नीचे धंसा, उस पर हिंद महासागर का जल आ गया और अरब सागर खुला। लेकिन अरावली वाला क्षेत्र आज भी ऊपर उठ रहा है, वेस्टर्न घाट पीक्स आज भी ऊपर उठ रही हैं और वेस्ट कोस्टल प्लेन पश्चिम तटीय मैदान आज भी ऊपर उठ रहा है, जिस पर हमारे जियोलॉजिस्ट जागरफर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के कुछ भूखंड सी लेवल से ऊपर उठते जा रहे हैं। इसके साक्ष्य में आइए हम देखते हैं कि टेक्टानिक एक्टिविटीज़ इलांग दिल्ली हरिद्वार हारसिल रिज। हाल के वर्षों में दिल्ली और हरिद्वार और हारसिल उत्तराखंड में उत्तरकाशी में एक गांव है, तीनों को मिलाने वाली रेखा को वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के जियोलॉजिस्ट DHH कहते हैं दिल्ली हरिद्वार हारसिल रिज, और इसके सहारे एक रिज का विकास हो रहा है अर्थात विवर्तन की घटनाएं यहां भी सक्रिय हैं। सबसे पहले पैलियो टेक्टानिक पूरा विवर्तन की घटनाएं भी यहीं सक्रिय थी, क्योंकि अरावली भारत का सबसे प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है, लेकिन आज यहीं पर नियो टेक्टानिक नव विवर्तन की घटनाएं भी सक्रिय हैं, जिसका साक्ष्य दिल्ली हरिद्वार हारसिल कटक है जो बहुत संवेदनशील है, और इसका विस्तार एशिया से होते हुए उत्तर पूर्व में ओखोटस्क सागर तक है, और यहाँ पर साक्ष्य विशेष रूप से हैं कि इसके सहारे अधिकांश भूकंप आते हैं और भारत का यह पश्चिमी भाग भूकंपीय दृश्य से संवेदनशील है। जैसे कभी भुज में यदि भूकंप आया तो कभी पिथौरागढ़ में आया और कभी मुजफ्फराबाद में आया। मुजफ्फराबाद का भूकंप क्या दिल्ली हरिद्वार हारसिल रिज के सहारे ही आएगा, या मुजफ्फराबाद जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है का भूकंप हिमालयन टेक्टोनिक जोन में पड़ेगा? इसका उत्तर अस्पष्ट है। यह मुजफ्फराबाद हिमालयन टेक्टोनिक जोन का एक पार्ट है, लेकिन दिल्ली हरिद्वार हारसिल रिज भी विवर्तनिकी दृश्य से सक्रिय है, और इसका दूसरा साक्ष्य है कि हरिद्वार के पास में सहारनपुर जिले में देवबन जगह में भी विवर्तनिकी हलचलें हो रही हैं, वहाँ भी उत्थापन हो रहा है। अब इस उत्थापन का श्रेय किसको जाता है? पूरे अरावली और उसके रेखीय स्थिति के उत्थापन को, या भारत के प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर खिसकने के फलस्वरूप उन शक्तियों को जिन्होंने तीन हिमालय को जन्म दिया, ग्रेटर मिडिल शिवालिक, और अब भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्व जाने के फलस्वरूप चौथे हिमालय श्रृंखला तराई क्षेत्र में हिमालय में देवबंद क्षेत्र के पास हो रही है। निश्चित रूप से दूसरा उत्तर सही है, देवबंद में आंतरिक नव विवर्तन की हलचलों का मेन कारण प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्व जाना है, न कि अरावली या दिल्ली हरिद्वार हारसिल का उत्थापन है। इस तरह से ऐसे प्रश्न बहुत बारीकी में आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में नव विवर्तनिकी पर UPSC निश्चित रूप से प्रश्न पूछेगा, और यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जो कि हमेशा के लिए करंट या अद्यतन बना रहेगा, और विशेष रूप से सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज में। इस तरह से हम देखें कि कैसे ये पूर्वी भारत और यह पश्चिमी भारत में
विवर्तन की हलचलें हो रही हैं, इसलिए इसको दो पार्ट में बांटकर एक पश्चिमी भारत की हलचलें और एक पूर्वी भारत की हलचलें आपको व्याख्या करना होगा। अब आइए हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी हमारे भारत में हो रहा है और उसके भी कुछ कारण हैं और साक्ष्य हैं। कारण उसका क्या है कि नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट हो रहा है भारतीय प्लेट का, जो कि अफ्रीका, भारतीय प्लेट अफ्रीका से टकराई तो पहले सीधे उत्तर गई, लेकिन द्रास के पास टकराने के फलस्वरूप जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तब इसका पश्चिमी भाग उठा और पूर्वी भाग धंसा। धंसने के कारण आज प्लेट की गति नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, उत्तर पूर्व दिशा में है, जो कि क्षैतिज है। लंबवत पश्चिम भारत पूर्वी भारत में है। पश्चिम भारत में उठ रहा है, पूर्व में बैठ रहा है, लेकिन क्षैतिज गति हॉरिजॉन्टल है। इसके क्या क्या एविडेंसेज हैं? नंबर एक है चेंज इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, भारत के चुंबकीय नति में परिवर्तन हो रहा है। जैसे इलाहाबाद में सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोग्राफिकल सीट में 1970 में यह प्रदर्शित किया गया था कि भारत का भौगोलिक उत्तर, इलाहाबाद का भौगोलिक उत्तर तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ है, लेकिन इसका मैग्नेटिक नॉर्थ 30 मिनट पश्चिम था। लेकिन आज यदि भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व जा रही है इस तरह से, तो यह प्रतिवर्ष एक मिनट कम होता गया। अर्थात सन 2000 में ज्योग्राफिकल नॉर्थ इलाहाबाद का और मैग्नेटिक नॉर्थ बराबर हो गए और जीरो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हो गया। लेकिन आज 2019 में मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो पश्चिम था अब पूरब चला गया। इस तरह से लेटेस्ट रिसर्चेज बता रहे हैं कि चेंज इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन भारत के हर स्थानों के चुंबकीय नति में परिवर्तन हो रहा है, जो पूरा चुंबकत्व और नया चुंबकत्व पैलियोमैग्नेटिज्म और न्यू मैग्नेटिज्म के आधार पर सिद्ध होता है। दूसरा साक्ष्य है कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज एलॉन्ग DHH, जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस किए, दिल्ली हरिद्वार हासिल रिज के सहारे विवर्तन की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन इन साक्ष्यों के साथ आप दो साक्ष्य और दे सकते हैं। एक है भुज, कोयना और कुर्दवाड़ी टेक्टोनिक जोन या न्यू टेक्टोनिक जोन। आज भुज से लेकर और नर्मदा, ताप्ती, भ्रंश या उनके मुहाने के सामने और विशेष रूप से कोयना में, कुर्दवाड़ी में भूकंप का आना बताता है कि ये भी संवेदनशील है। इसीलिए हम भूकंप के बोर्ड में देखेंगे कि यह भूकंपी दृश्य अब संवेदनशील हो गया है और विशेष रूप से पहले पठार के आंतरिक भाग को भूकंपी दृश्य से मुक्त रखा गया था Category 1, लेकिन अब वह Category 2 में आ गया है। अर्थात यहाँ भी भूकंपीय संवेदनशीलता है, जो बता रहा है कि नियोटेक्टानिक यहाँ काम कर रहा है। इसी तरह से 90 ईस्ट रिज के सहारे भी संवेदनशीलता है, जिसका एग्जाम्पल बारेन आइलैंड है और पूरब में अराकान्योमा और सुमात्रा को मिलाने वाले भी एक नियोटेक्टानिक बेल्ट है। ये रहे इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशंस के कारण और उनके परिणाम। नेक्स्ट पॉइंट है नियोटेक्टानिक का एक लंबा भविष्य। जियोलॉजिस्ट का अनुमान है, जियोलॉजिस्ट एज्यूम या बिलीव दैट इन फ्यूचर, इन वेरी लॉन्ग फ्यूचर द क्रस्ट में बी ब्रोकन इन टू पार्ट एंड दैट विल बी एलॉन्ग दिस दिल्ली हरिद्वार हॉरिजॉन्टल रिज एंड अ न्यू प्लेट विल कम इन टू एग्जिस्टेंस इंक्लूडिंग दिस इंडियन प्लेटोलैंड एंड दिस चाइना। अर्थात आने वाले समय में नव विवर्तनिकी का एक सीधा प्रमाण होगा कि
दिल्ली हरिद्वार हारसिल रिज के सहारे बनने वाली दरार बहुत चौड़ी होगी। इसमें महासागर का जल समा जाएगा और इसका विस्तार अल्ताई त्यानसान पर्वत श्रेणियों के सहारे ओखोटस्क सागर तक होगा। इसका एक नाम रखा जाएगा और भारतीय पठार और चीन एक प्लेट पर हो जाएंगे और यहाँ पर एक नया महासागर खुलेगा। इस तरह से पैलियो टेक्टानिक पुरावैवर्तनिकी प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि हमारे विश्व के सभी महास्थल खंड कई बार टूटे हैं और जुड़े हैं। जैसे कि हम लोग देखे थे कि ऑस्ट्रेलियन और इंडियन प्लेट कई बार टूटी और कई बार जुड़ी। इसका मतलब कि न्यू टेक्टानिक या भविष्य में होने वाली विवर्तनीय घटनाएं इंगित करती हैं कि हमारे भूखंड अभी टूटेंगे फिर जुड़ेंगे, और यह जियोलॉजिकली एक सनातन एक ट्रेडिशनल वर्क है जो कि लगातार चलता रहेगा। यह है भारतवर्ष का नियोटेक्टानिक्स, जिस पर आप ध्यान रखिएगा, और विशेष रूप से एक टेक्टानिक बेल्ट भारत के उत्तरी भाग में हिमालयन नियोटेक्टानिक है, बहुत संवेदनशील है, और हिमालय पर्वत की सभी श्रेणियां आज भी ऊपर उठ रही हैं, जो कि सर्वे ऑफ इंडिया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने सर्वेक्षण और अध्ययन के दौरान पाया है। इस तरह से आप यह बताइए कि भारत की नियोटेक्टानिक पर यूपीएससी कई प्रश्न बना सकता है, जैसे नंबर एक हिमालयन नियोटेक्टानिक जोन या बेल्ट, दिल्ली हरिद्वार हारसिल नियोटेक्टानिक जोन या बेल्ट, भुज कोयना कुर्दवाड़ी नियोटेक्टानिक जोन या बेल्ट, एवरेस्ट मालदा और 90 ईस्ट नियोटेक्टानिक बेल्ट, और अराकान योमा सुमात्रा नियोटेक्टानिक बेल्ट। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 नियोटेक्टानिक बेल्ट हैं। इन पर सब पर आप 100 वर्ड मिनिमम लिख करके तैयार रखिएगा, क्योंकि यह प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत दिनों तक इम्पॉर्टेंट हैं, और भूगोल तथा सामान्य अध्ययन में इम्पॉर्टेंट है।